हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद अफसाना। और आप सब हैं आज मेरे किचन में। फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी है पाव भाजी मसाला। पाव भाजी को बनाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा सब्जियां हो, 2 से 3 सब्जियों में भी आप बहुत टेस्टी बना सकते हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी, कम से कम सब्जियों में आप उतना ही टेस्टी पाव भाजी कैसे बना सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन बटन होगा, उसे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलकर स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। पाव भाजी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 4 से 5 आलू, जिसे मैंने बॉयल कर लिया है। उसके बाद मैं इसे मैश कर दूंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 3 टमाटर, इसे मैंने ऐसे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। 2 शिमला मिर्च लिया है, इसे भी मैंने इस तरीके से छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 प्याज, इसे भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में ही कट कर लिया है। तो चलिए अब हम भाजी बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है कढ़ाई, आप इसकी जगह पे नॉन स्टिक कढ़ाई या लोहे की कढ़ाई यूज कर सकते हैं। जिसमें आप कम्फर्टेबल हो आप वो कढ़ाई यूज करें। इसमें हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच ऑयल, साथ ही हम डाल लेंगे बटर 1 से 1.5 चम्मच। अब हम अपने टमाटर और शिमला मिर्च को कढ़ाई में डाल देंगे और मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 1 लार्ज कप पानी, जिससे हमारी सब्जी अच्छे से बॉईल हो जाए। साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1/2 छोटी चम्मच नमक। नमक डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसे ढककर के छोड़ देंगे धीमी आंच में 3 से 4 मिनट के लिए, अच्छे से पकने के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारी सब्जियां काफी अच्छे से पक गई हैं, काफी गल गई हैं। तो उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी आलू को, इसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। आलू को डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर से हम इसे ढक देंगे। ढकने के बाद हम इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए तेज आंच में पकाएंगे। ये देखिए, 2 मिनट बाद हमारी सब्जियां और भी अच्छे से पक गई हैं। तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच पाव भाजी मसाला। यहाँ पे मैंने एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला यूज किया है, आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे, याद रखिएगा सब्जियों को बॉईल करते समय हमने नमक डाला था, तो उसी हिसाब से आप नमक डालें। 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। आपको जितना तीखा पसंद है आप उसी हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ। फूड कलर डालने से भाजी का कलर थोड़ा सा खिल के आता है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना है, आपको नहीं पसंद है तो आप ना डालें। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से सब्जियों को मिक्स कर लिया है। अब हमें मैशर की ज़रूरत है, जो मैं यहाँ पे पोटैटो मैशर यूज़ कर रही हूँ। इससे हम सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे सब्जियाँ हमारी अच्छे से बारीक मैश हो जाएँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सब्जियों को अच्छे से मैश कर लिया है। अब मैं इसमें मिलाऊंगी कसूरी मेथी 1 छोटी चम्मच, जिसको मैंने थोड़ा सा गरम करके और उसके बाद इसे अच्छे से क्रश कर लिया है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ढक करके इसे गैस बंद करके हम साइड में रख देंगे। तो अब मैं यहाँ पे एक फ्राई पैन ले रही हूँ, जिसमें हम अपने प्याज को भूनेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 1 बड़ा चम्मच बटर। बटर डालने के तुरंत बाद मैं इसमें डालूंगी 1 छोटा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। उसे हम बटर में मिक्स कर लेंगे। अब हम अपने बारीक कटे हुए प्याज को इसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। हम प्याज में भी थोड़े से मसाले मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच फिर से पाव भाजी मसाला, लाल मिर्च पाउडर, अगर आपको तीखा नहीं पसंद है तो यहाँ पे आप स्किप कर सकते हैं, 1/4 चम्मच हल्दी,
सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैं नमक ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं दो बार नमक यूज कर चुकी हूँ, अगर फिर से नमक डालते हैं तो नमक ज्यादा हो सकता है, तो यहाँ पे मैंने नमक को स्किप किया है। तो यहाँ पे मैं प्याज को और लहसुन अदरक के पेस्ट को अलग से भून रही हूँ। अगर ये प्रोसेस आप डायरेक्ट भाजी में करेंगे तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा जो टेस्ट इससे खिल के आएगा, इसलिए मैं इसे अलग से भून रही हूँ। इस तरीके से आप बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी बनेगी आपकी भाजी। कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसे फ्राई पैन में इसी तरीके से भूनना है ताकि हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज अच्छे से भून जाए। तो यहाँ पे हमारा प्याज अच्छे से भुन गया है। अब हम अपनी भाजी की तरफ चलते हैं। तो फिर से हम अपनी भाजी को गैस पे रखेंगे, गैस को ऑन कर लेंगे और जो हमने प्याज को भुना था उसे हम भाजी में डाल देंगे और उसके ऊपर मैं बारीक कटा हुआ धनिया डालूंगी और मैशर की हेल्प से फिर से ये सारी सब्जियों को मैश कर देंगे। सब्जियों को मिक्स करने के बाद इसमें मैं डालूंगी 1 छोटा कप पानी। पानी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें 1/2 नींबू का रस डालूंगी। नींबू का रस डालने के बाद भी हम इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और गैस को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी भाजी रेडी हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पे लिया है पाव। पाव में मैं थोड़ा सा बटर लगा के इसे सेकूंगी, लेकिन बटर को मैं सिंपल नहीं लगाऊंगी, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 छोटी सी कटोरी जिसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच बटर, साथ में थोड़ा सा डालूंगी बारीक कटा हुआ धनिया और 1/4 चम्मच पाव भाजी मसाला। इन तीनों चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। बटर को मिक्स करने के बाद इसे हम पाव में लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से बटर बना के हम पाव में अगर लगाते हैं और सेकते हैं तो पाव का टेस्ट काफी अच्छा हो जाता है। तो आप भी इसे एक बार ट्राई जरूर करिएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से हम दोनों साइड से पाव में बटर लगा के सेक लेंगे। बहुत ही हल्के से सेकना है, बस तवा गर्म हो, बस हल्का हल्का सा सेक के और पाव को प्लेट में निकाल लें। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने पाव को दोनों साइड से हल्का हल्का सेक लिया है। अब मैं इसे प्लेट में बाहर निकाल लूंगी। तो चलिए अब हम पाव भाजी को सर्व करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने पाव भाजी के लिए एक थाली ली है जिसमें मैं निकाल लूंगी अपने भाजी को। थोड़ा सा मैं ऊपर से गार्निश करूंगी धनिया से। साथ में रखेंगे हम अपने पाव को और साथ में मैं रखूंगी यहाँ पे प्याज और नींबू।